भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इट्स वानप्रस्थ, वानप्रस्थ तो लेना पड़ेगा आपको। आप गृहस्थ में कैसे फंसे रह सकते हो? आप तो मुश्किल, अगर गृहस्थ आश्रम से आप निकले नहीं तो उसका मतलब आप फेल हो गए गृहस्थ आश्रम में। अगर आप ग्रेजुएट, आपने 12वीं क्लास से ग्रेजुएशन में नहीं आए तो आप फेल हो गए कि नहीं फेल हो गए? फेल हो गए, क्योंकि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो तब आप जब ग्रेजुएट कर जाते हो, उस कक्षा को छोड़ देते हो, तब आप माने जाते हो उसके। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम तो पहले पालन नहीं करते, वो उसको जब तक उससे उसको आगे नहीं बढ़ता, उससे उसको कंप्लीट नहीं करता, तब तक वो गृहस्थी कैसे जाना जाएगा? गृहस्थ आश्रम जाना नहीं जा सकता। परंतु कलयुग में एक प्लस पॉइंट है कि वानप्रस्थ का मतलब यह है कि हस्बैंड वाइफ साथ रह सकते हैं, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट रह सकते हैं साथ, दोनों सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अलाउड है। परंतु चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, परंतु अगर देखती है कि मेरा उत्थान नहीं हो रहा, मेरा मतलब आत्मा का उत्थान नहीं होता, तो फुल राइट टू लीव एनीवन। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? गृहस्थ आश्रम भी त्याग सकता है व्यक्ति। यह सर्वधर्मान परित्याज्य का एक और आपको मीनिंग बता रहा हूं मैं, आप दो तीन मीनिंग बता चुका हूं आपको नए टाइप के। इस वन आश्रम सर्वधर्मान परित्याज्य का मतलब यह है, इसमें धर्म आ गया, गृहस्थ का धर्म आ गया कि नहीं आ गया, कि आप उसको भी त्याग दो मेरी शरण में आने के लिए। परंतु अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं तो त्यागने की, परंतु आसक्ति खत्म होनी पड़ेगी वानप्रस्थ के अंदर, आसक्ति खत्म होनी पड़ेगी। आसक्ति कृष्ण में बढ़नी चाहिए, किसमें बढ़नी चाहिए? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? और जब भी ये बड़ा सिस्टम क्लियर है, ये नहीं आप बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हो और दुनिया भर के चक्कर कर रहे हो, फिर पता लगा 70 साल की उम्र तक काम कर रहे हो लोन चुकाने के लिए। नहीं नहीं, ये बकवास नहीं है, कुछ नहीं नहीं है पैसा, म्युनिसिपल पढ़ाओ स्कूल के अंदर। और ज्यादातर ध्यान रखना, मोस्टली जो लेवल के लोग होते हैं वो लोअर लेवल से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, इससे उठ के आते हैं, और इन्होंने कभी कॉन्वेंट स्कूल नहीं पढ़े होते हैं ये बड़े बड़े स्कूलों में, और ज्यादातर टॉप पे यही लोग आए हैं। समझ में आ रहा है आपके? तो इसीलिए सर्वधर्मान में यह आ जाता है कि वाइफ हस्बैंड दोनों, ये कलयुग के अंदर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु वाइफ के साथ इसलिए प्रॉब्लम नहीं कि हस्बैंड राक्षस भी हो और वाइफ उसको नॉनवेज भी खिलाना पड़ जाए उसको, तो उसको पाप नहीं लगेगा। माताओं को बनाया नहीं गया वैसा, बचपन से उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि तू पढ़ ले, कुछ कर ले, क्योंकि कहीं शादी टूट गई तो मतलब पहली स्टार्टिंग क्या हुई, शादी टूट गई तो टूटेगी भाई, क्योंकि वो आपकी आपकी आपके एजुकेशन, आपने बच्चे को पढ़ाया ऐसी, बनाया इस तरीके से कि टूटने के लिए, किसके लिए प्रभु जी? आपने थोड़ी बनाया कि चलने के लिए, आपने बनाया इसलिए। अरे ये मेंटल थॉट प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये चेंज कर दे दुनिया को, ऐसी हस्बैंड को। अपना अमेरिका में नहीं है, अलग मेडन, एक क्रेडिट कार्ड मेडन नेम में है और एक क्रेडिट कार्ड शादीशुदा नेम में, मतलब दोनों देखेगी, हर टाइम ही रहेगा कि हाँ इसे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है जी। ऐसी आदमी सोचता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंस गए।